गहलोत ने कहा कि यूपी में जो कुछ हो रहा है वो देश देख रहा है। गहलोत ने कहा कि अगर कानून का राज नहीं होगा तो क्या होगा। गहलोत ने कहा कि देश के हालात खराब है, आज पत्रकारों साहित्यकारों को जेल में डाला जा रहा है। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो। देश में आज जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक है, चिंताजनक है। अगर चिंता प्रदेशवासियों ने देशवासियों ने नहीं की तो भुगतना हम सबको ही पड़ेगा। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर उसमें जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं करती है, लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अगर बिहेव नहीं करती है तो देश को भुगतना पड़ता है। आज धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की, चिंता का विषय है। एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, एक्टिविस्ट जो आलोचना करते सरकार की वो देशद्रोही है। ये थीम चल रही है, ये उचित नहीं कही जा सकती।